महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 9 अगस्त को शुक्रवार के दिन है। आमतौर पर ये त्यौहार हरियाली तीज के 2 दिन बाद आता है। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है, जबकि नाग पंचमी के दिन इन दोनों के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन विधि विधान के साथ पूजा का महत्व होता है। इसके साथ ही इस दिन कई प्रचलित मान्यताएं भी हैं। खास तौर पर इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। परंपराओं के अनुसार इस दिन तवा चढ़ाना या घर के चूल्हे पर रोटियां सेकना वर्जित माना गया है। कहते हैं कि रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है। तवे को नाग के फन का प्रतिरूप माना गया है। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन आग पर तवा नहीं रखा जाता है। इस दिन रोटी के अलावा चावल भी बनाना वर्जित ही माना जाता है। कहते हैं चावल का संबंध नाग देवता की दांतों से होता है। इस दिन किसी भी काम के लिए जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि जमीन के अंदर सांपों का बिल रहता है। जमीन की खुदाई करने से सांपों का घर या बिल नष्ट हो सकता है। ऐसा करने से कई पीढ़ियों को दोष लगता है। नाग पंचमी के दिन भूल से भी सांप को नहीं मारना चाहिए। अगर गलती से भी इस दिन सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका पाप आप पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे वंश पर पड़ सकता है। नाग पंचमी के दिन सिलाई कढ़ाई से दूर रहना चाहिए। इस दिन नुकीली और धारदार चीज़ों जैसे चाकू सुई का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन इनसे बचकर रहना चाहिए। ये तो वो बातें थी जो नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जो आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए? तो बता दें कि इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से मुक्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल फूल मिठाई और दूध अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पूजा के मुहूर्त की बात करें तो उस दिन 2 घंटे 40 मिनट का मुहूर्त है, जिसे सबसे उत्तम माना जा रहा है। नाग पंचमी के दिन सुबह 5:46 से सुबह 8:26 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष के अनुसार पूजा के लिए ये मुहूर्त सबसे शुभ है, जिसमें पूजा करने से पूर्ण फल मिलेगा और सारे दोषों का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।